हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होप यू आर ऑल फाइन. स्टूडेंट्स, वी हैव कवर्ड आवर सेकंड चैप्टर. हमने जो अपना सेकंड चैप्टर पढ़ा था उसका आज जो लॉन्ग आंसर एक्सरसाइज है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, वो हम करने जा रहे हैं. चैप्टर सेकंड, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. ओके, शॉर्ट आंसर वी हैव कवर्ड. शॉर्ट आंसर हमने कवर किए थे, अभी जो लॉन्ग आंसर वो कवर करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्केल्स एंड सेल्स इन एनिमल्स. इफ यू हैव रिमेंबर्ड दैट वी हैव टोल्ड यू दैट सम एनिमल्स हैव स्केल्स लाइक फिश. They have scales, overlapping scales. Okay, and some has cells like tortoise. Tortoise की जो body होती है उसके ऊपर जो covering होती है वो एक hard covering होती है, ठीक है. This is the cell. Okay, now the question is, what is the function or what is the purpose of these scales and cells in the animals? So, इनका purpose क्या होता है? ये question अभी हम solve करने जा रहे हैं. First question is, what is the purpose of cells and scales in animals' body. As we have discussed, कि उनका function क्या होता है, तो answer, cells help the animal to protect itself from other animals and scales helps to reduce the loss of water from body. Okay, so these are the function of scales and cells. Cells किसी भी animal को दूसरे animal से protect करने में help करता है, and scales उनकी जो body होती है उनमें से water loss को reduce करता है. Okay, second question, list the how does the hairs on the bodies of mammals help them? How does the hairs on mammals' body help them? एनिमल्स की बॉडी पे हेयर्स किस तरह से उनकी हेल्प करते हैं, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेयर. दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड एंड बैड वेदर. ओके, जो हेयर्स होते हैं वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से और बैड वेदर से. लाइक पोलर बियर्स होते हैं, पोलर बियर उनकी बॉडी पे क्या होते हैं, फर होते हैं. दैट आर आल्सो द स्मॉल फाइन हेयर्स. ओके, सो दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड, वो उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, तो सो द हेयर्स प्रोटेक्ट द एनिमल फ्रॉम बैड वेदर्स एंड द कोल्ड कंडीशंस. ओके,
दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन. नाउ प्रोसीडिंग टू द थर्ड क्वेश्चन. What is the third question? Is there a relationship between the bigs and beaks of bird? And what they feed on? Explain giving examples. This is our question. It is asking that there is there a relationship between the beaks of birds and what they feed on. कि जो birds हैं उनकी beaks में और जो वो खाते हैं उनके अंदर क्या relationship है, या कोई relationship है वहां पे? अगर है तो उसको example की help से explain करेंगे. Okay? Answer is that the birds have a beak suited to their eating habit. हाँ, जो बर्ड्स हैं उनकी जो बीक होती है वो उनकी ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग होती है. लाइक फॉर एग्जांपल, ऑल ईट स्मॉल एनिमल, सो इट हैज कर्व्ड बीक. जो आउल है वो स्मॉल एनिमल्स को खाता है, इसलिए उसकी बीक कैसी होती है? कर्व्ड होती है. इट मींस इट इज देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द बीक एंड द फूड दे ईट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन फॉर ब्लंट, फ्लैट एंड ब्रॉड. ब्रॉड टीथ आर अ कैरेक्टरिस्टिक्स of which type, which kind of animal? Which kind of animals? Why are these kind of teeth suitable to their food habit? जो
इस तरह की टीथ है उनकी फूड हैबिट्स को स्टेबल कैसे करते हैं, और जो एक ब्लंट है, फ्लैट है, ब्रॉड टीथ है, वो किस तरह के एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये टीथ उनको किस तरह से शूट करते हैं उनको ईटिंग हैबिट्स में। आंसर, दीज टाइप ऑफ टीथ आर फाउंड इन हर्बी वॉर्स एनिमल्स। इस तरह के एनिमल्स कहाँ मिलते हैं, इस तरह के टीथ किस तरह किस टाइप के एनिमल्स में मिलते हैं, हर्बी वॉर्स में, बिकॉज दे ईट प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई दे नीड सच टाइप ऑफ टीथ। तो इस तरह के टीथ कहाँ पे मिलते हैं, हर्बीवोर्स एनिमल्स में मिलते हैं, क्यों, क्योंकि वो प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, जिसके लिए उन्हें फ्लैट, ब्लैंड और ब्रॉड टीथ की जरूरत होती है। ओके, तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, एंड दिस चैप्टर इज ओवर नाउ। ओके, थैंक यू।